In this video, we are going to study about energy-rich compounds and its classification. As the name suggests, energy-rich compounds, कौन से compounds होंगे? Energy, जिनके पास energy हो, rich मतलब बहुत ज़्यादा amount में energy हो, और compounds हों वो, ठीक है? तो energy-rich compounds. The compounds in biological system, which on hydrolysis yields free energy equal to or greater than that of ATP. मतलब ऐसे compounds, जिनका जब hydrolysis हो, मतलब breakdown हो, उनके वाटर मॉलिक्यूल्स का वाटर मॉलिक्यूल्स में उनके जब हाइड्रोलिसिस हो तो उनमें जो फ्री एनर्जी हमें मिले या तो वो एटीपी की एनर्जी के बराबर हो या फिर उससे ज़्यादा हो. ठीक है, ऐसे एनर्जी ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे एनर्जी रिच कंपाउंड्स. मतलब डेल्टा जी उसमें होना चाहिए -7.3 किलो कैलोरी पर मोल आर नोन एज एनर्जी रिच कंपाउंड्स एंड दीज आर ऑल्सो रेफर टू एज हाई एनर्जी कंपाउंड्स. ठीक है, या तो हम इनको हाई एनर्जी कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं, मतलब इनमें जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा है. मोस्ट ऑफ द हाई एनर्जी कंपाउंड्स कंटेन फॉस्फेट ग्रुप एक्सेप्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए, हैंस दे आर आल्सो कॉल्ड हाई एनर्जी फॉस्फेट्स. जो हमारे हाई एनर्जी कंपाउंड्स हैं मोस्टली जितने भी आपको मिलेंगे, अब साइंस है तो सिंस केमिस्ट्री में हमें पता है एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट जो हमें मेनली मॉलिक्यूल्स मिलेंगे उनमें हमारा फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, इसलिए हम इसको हाई एनर्जी फॉस्फेट्स भी बोलते हैं, एक्सेप्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए. ठीक है, अब इसका जो क्लासिफिकेशन है, हमने इसको क्लासिफाई करा है इनटू 5 टाइप्स. फर्स्ट इज पायरोफॉस्फेट्स, नेक्स्ट इज इनॉल फॉस्फेट्स, एसाइल फॉस्फेट्स, थायोल फॉस्फेट्स एंड गोनिडो फॉस्फेट्स. फर्स्ट इज पायरोफॉस्फेट. द एनर्जी बॉन्ड इन पायरोफॉस्फेट आर एसिड एनहाइड्राइड बॉन्ड्स. इसमें जो बॉन्ड होगी वो हमारी एसिड एनहाइड्राइड बॉन्ड प्रेजेंट होगी. दीज बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ एसिड ग्रुप्स और इट्स डेरिवेटिव्स लाइक फॉस्फोरिक एसिड. ठीक है, इसमें जो हमारे एसिड ग्रुप्स होंगे उनका कंडेंसेशन होगा लाइक ATP. पायरोफॉस्फेट का एग्जाम्पल है हमारा ATP, दैट इज एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट. नेक्स्ट इज इनॉल फॉस्फेट. द एनर्जी बॉन्ड प्रेजेंट आर इनॉल फॉस्फेट बॉन्ड. जो इसका नाम है उसके या उसके अकॉर्डिंग आप इसकी जो बॉन्ड्स है या इसका जो प्रॉपर्टी है वो आप इसमें लर्न कर सकते हैं. ठीक है, इट इज़ फॉर्म व्हेन द फॉस्फेट ग्रुप अटैच टू अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच इज़ बाउंडेड टू अ कार्बन एटम हैविंग डबल बॉन्ड. ठीक है, ये तब बनेगा जब हमारा फॉस्फेट ग्रुप किसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच होगा जो कि कार्बन से बॉन्डेड होगा विद अ डबल बॉन्ड. फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोइनॉल पायरोवेट. ठीक है, PPP, ये भी आपको PEP, ये भी जब आप वो पढ़ेंगे बहुत सारे मेटाबॉलिज्म पाथवे तब आपको फॉस्फोनॉल पायरोवेट भी बहुत जगह मिलेगा. ठीक है, तो ये है हमारा एक हाई एनर्जी कंपाउंड, आपको ये ध्यान रखना है. ठीक है, नेक्स्ट इज असाइल फॉस्फेट. द हाई एनर्जी बॉन्ड इज फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड फॉस्फेट ग्रुप. इसमें क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिल्क प्लस फॉस्फेट ग्रुप मिलकर बना रहा है असाइल कंपाउंड्स लाइक 1.3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट. नेक्स्ट वी हैव द थायोल फॉस्फेट. इसमें क्या है, हेयर द एनर्जी हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड इज एब्सेंट, रेदर हाई एनर्जी थायोईस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट विच रिजल्ट बाय द रिएक्शन बिटवीन थायोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. इसमें क्या हो रहा है, हमारी हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड नहीं होगी बल्कि उसकी जगह हमारी हाई एनर्जी थायोईस्टर बॉन्ड होगी. ठीक है, विच रिजल्ट मतलब थायोईस्टर मतलब ROR होता है, RCOOR होता है हमारा ईस्टर ग्रुप, उसके साथ हमारा थायो ग्रुप मतलब सल्फर ग्रुप जुड़ा होगा. ठीक है, विच रिजल्ट बाय द रिएक्शन बिटवीन थायोल मतलब थायोल, जब भी हम थायोल वर्ड बोलते हैं थायोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल एसिटाइल कोएंजाइम ए. नेक्स्ट इज गोनिडो फॉस्फेट और फॉस्फोजेंस. इसका हमारा सिनोनियम है फॉस्फोजेंस. ठीक है, द बॉन्ड इज गोनिडीन फॉस्फेट बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू गोनिडीन ग्रुप. फॉस्फेट ग्रुप प्लस गोनिडीन ग्रुप इसमें मिलकर बनाएगा हमारा गोनिडो फॉस्फेट्स, फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोक्रिएटिन. ठीक है, ये इसकी एक समरी है, मतलब इसको लर्न करने के लिए इसका तरीका है. ये हमारे टाइप्स हैं, इसमें हमारी बॉन्डिंग दिख रही है और ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, पायरोफॉस्फेट्स ATP, एसाइल पायरोवेट 1.3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, इनॉल पायरोवेट वी हैव फॉस्फोइनॉल पायरोवेट, थायोईस्टर्स में एसिटाइल कोएंजाइम एंड एसिटाइल कोएंजाइम है, गोनिडो फॉस्फेट्स में वी हैव फॉस्फोक्रिएटिनिन एंड फॉस्फोआर्जिनिन. ठीक है, तो ये जो हमारी ये हमारा बॉन्डिंग है कि कैसी बॉन्ड प्रेजेंट होगी, और ये जो हमारी इस तरह की एस शेप बॉन्ड होती है ये हमारी हाई एनर्जी बॉन्ड डिनोट करती है. ठीक है, तो ये हमारे बॉन्डिंग है, ये आप अच्छे से एक बार देख लेना, प्लस हमारी जो बॉन्डिंग जो मैंने आपको लिखवाया है वो बॉन्ड्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है. तो अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो इट विल बी सफिशियंट इन दिस टॉपिक.